नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत और आप लोग देख रहे हो टिप्स एंड टॉक्स। भाई साहब, ये वीडियो उनके लिए जिनको आज तक नहीं पता लगा कि पॉलिसी इशू कैसे हटाना है। भाई साहब, चाहे वो फेसबुक पेज पे काम करते हैं, चाहे प्रोफाइल पे काम करते हैं, उनका अर्निंग रिस्ट्रिक्शन हो गया है। मतलब पेज मोनोटाइज है, प्रोफाइल मोनोटाइज है, बट पैसा नहीं कमा पा रहे हैं क्योंकि उनको पॉलिसी इशू आ रखा है। उनका पेज नीला, काला, पीला, लाल हो रखा है। भाई उन्होंने मेरे को बहुत मैसेज आया, मेरे पास इंस्टाग्राम पे आया हुआ है। 5-6 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, लोग मेरे को मैसेज करके बोल रहे हैं भाई कहाँ चले गए, वीडियो नहीं बना रहे हो, क्या हो गया, कैसे हो गया। तो मैंने कहा वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि भाई अब शायद मेरी वीडियो इसी तरह आएगी, 2-4, 10 दिन में, 20 दिन में कभी आ जाए तो आ जाए, वरना मुश्किल है वीडियो आना। तो आज ही वीडियो में, इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि आप अपना पॉलिसी इशू जो आप लोगों को आता है ना, किस तरह हटाओगे आसानी से। मतलब आसानी से तो नहीं हटता पॉलिसी इशू, पहले तो समझ लो, बट कुछ तरीके आप लोगों को बता दूंगा कि आप पॉलिसी इशू को किस तरह हटा सकते हो। और आप लोगों को समझना पड़ेगा कि पॉलिसी इशू है क्या, इसको हटाएंगे कैसे, और अर्निंग रिस्ट्रिक्शन में क्या करना चाहिए। अगर पेज मोनोटाइज है, उसके बाद भी पॉलिसी इशू आ रहा है, तो उस समय आप क्या कर सकते हो जिससे आपका अर्निंग रिस्ट्रिक्शन ना हो और आपको पैसा मिलना चालू हो जाए, मतलब पैसा मिलता रहे, रुके ना। तो 2-3 बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बोलूंगा भाई, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना। लाइक करोगे तो थोड़ा मेरी मोटिवेशन आएगी मुझे काम करने का। भाई अभी तो मन नहीं कर रहा काम करने का उतना था, बट हाँ मोटिवेशन मिलेगा। और एक कमेंट करना कि क्या इस टाइप की वीडियो आप लोगों को पसंद है। भाई पहले ये जान लो, पॉलिसी इशू 2 प्रकार के होते हैं। भाई साहब पहले तो आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो, अगर मिल जाएगा तो लगा दूंगा, वैसे बोल दे रहा हूँ। जो स्क्रीनशॉट देख पा रहे हो भाई, एक इस टाइप का पॉलिसी इशू होता है। जब आप नया पेज बनाते हो उस समय आपको एक पॉलिसी इशू आता है। वो पॉलिसी इशू से आपको डरने की जरूरत नहीं है, वो आपको हफ्ते भर, नहीं सॉरी 1 महीने तो रहेगा, हफ्ते भर नहीं, 1 महीना तो एटलीस्ट रहता है, कभी कभी 1.5 महीना रहता है, कभी कभी 2 महीना रहता है। जब आप वीडियो और पोस्ट करते रहते हो ना, रील डालते हो, वीडियो डालते हो, पोस्ट डालते हो, वो हट जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं आती उससे। तो 1 महीना 1.5 महीना तक आपको ये वाला पॉलिसी इशू सताता है भाई, इससे आपको वो डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये नए पेज में इसका मतलब इस समय आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपको बहुत सोचने की जरूरत नहीं भाई कि ये पॉलिसी इशू आ गया तो उसमें क्या करें। और एक ये पॉलिसी इशू होता है जो आप देख पा रहे हो स्क्रीनशॉट में, भाई साहब ये अगर आ गया है तो आपको डरने की जरूरत है इस समय, क्योंकि आपका जो पेज है चाहे प्रोफाइल है वो आ गया दिक्कत में। अगर ये पॉलिसी इशू ज्यादा दिन रह गया, मतलब 15 दिन 20 दिन, 1 महीना 1.5 महीना रह गया आपके पेज पे, तो आपका पेज कर देगा बर्बाद, आप 1 रुपया नहीं कमा पाओगे इससे। और सुनो, जो अर्निंग आ भी रही होगी ना वो भी रुक जाएगी। और जिसके दिमाग में ये है ना कि नहीं हम लाइव आ जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे और ये पॉलिसी इशू हट जाएगा, तो बिल्कुल नहीं हटने वाला भाई। तो इतना दिमाग बिठा लो कि अगर इस टाइप से पॉलिसी इशू आ रहा है लिखकर आपके पेज पर, आपके मोनेटाइजेशन सेक्शन में जब आप जाते हो और इस टाइप से पॉलिसी इशू लिख के आ रहा है, तो नहीं ठीक होने वाला भाई वो। हाँ, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आप उसको रोक सकते हो, आपकी अर्निंग ठीक हो जाएगी। अगर आपका अर्निंग रिस्ट्रिक्शन हुआ है, आपके पेज में कोई दिक्कत आ गई इस पॉलिसी इशू की वजह से, तो किस तरह इसको ठीक कर सकते हो। इसमें आपको क्या करना है, आपको पहले एक चीज ये समझना पड़ेगा कि ये पॉलिसी इशू आया क्यों है। किसी वीडियो पे आया है, किसी रील पे आया है, किसी पोस्ट पे आया है, या किसी स्टोरी पे आया है, या आपने कोई ऐसा चीज मतलब शेयर तो नहीं कर दिया है, तो आपको नीचे शो करता है। अगर मुझे स्क्रीनशॉट मिल जाएगा तो मैं लगा दूंगा, वहां पे आपको डेट, महीना और टाइम शो करेगा कि भाई इस वीडियो पे आपको ये पॉलिसी इशू आया हुआ है, आपने ये वीडियो मतलब दो वीडियो पे किया हुआ है, 3 वीडियो पे किया हुआ है, मतलब आपने 3 वीडियो पे गलती कर रखी है, 1 वीडियो पे कर रखी है, या 2 वीडियो पे कर रखी है, या 10 वीडियो पे कर रखी है, वो नीचे शो करता है उसके। आपको उसको देखकर आपको समझना है और जाकर उसी पेज पर जिस पेज से आपने उसको शेयर किया है या उस पेज पे आपने अपलोड किया हुआ है, क्योंकि एक प्रोफाइल से कई पेज बनाते हो आप लोग, मैं जानता हूँ एक प्रोफाइल से कई सारे पेज बनाते हो, और अपने ही वीडियो को अपने ही पेज पे शेयर भी करते हो अच्छी तरह। मुझे पता है बात, जो कोई लोग कहेंगे कि नहीं भाई हम तो नहीं करते हैं शेयर, लेकिन कई लोग करते हैं भाई, और क्या करते हैं ना आजकल मैं देख रहा हूँ, एक ही वीडियो को 4-4 बार अपलोड कर दे रहे हैं और सोचते हैं कि किसी एक को तो वायरल हो जाएगी, कोई एक ना एक वायरल हो जाएगी। कॉपी पेस्ट करते समय रील हो चाहे वीडियो हो, उनके दिमाग में होता है कि कोई एक ना एक वायरल हो जाएगी, और उसी में वो फेसबुक पकड़ लेता है। फेसबुक का AI सिस्टम जो है आपको पकड़ता है और आपको देता है, मतलब ये पॉलिसी इशू देता है, चाहे स्ट्राइक देता है, चाहे वायलेशन देता है, तो वो यहाँ पे शो करता है। उसमें आपको महीना, समय सब लिखा रहता है। वहां जाओ, उस वीडियो को करो डिलीट, ढूंढ के अपने पेज में जहां भी आपने वो वीडियो अपलोड कर रखी है उसमें महीना भी शो करेगा, इस साल में आपने उसको वीडियो को अपलोड किया वो भी शो करेगा, एवरीथिंग, मतलब किस डेट में आपने वीडियो को अपलोड किया वो भी शो करेगा, किस साल में आपने अपलोड किया वो भी शो करेगा, किस दिन अपलोड किया शायद वो भी शो करेगा। उसको जाओ ढूंढो उस वीडियो को, और नाम भी शो करेगा किस पेज पे आपने अपलोड किया हुआ है, किस पेज पे आपने शेयर किया हुआ है। उसको करो डिलीट, अगर डिलीट कर देते हो ढूंढ के भाई, इधर से तो नहीं होने वाला, इधर से अगर आप डिलीट करने की कोशिश करोगे तो बार बार वो आपको एरर दिखा देगा। आप लोग सोचोगे यार डिलीट करने जा रहा हूं उसके बावजूद भी नहीं हो रहा है, तो यहां से तो एरर दिखा देगा, लेकिन पेज में जब आप जाके उसको ढूंढोगे ना आपको मिल जाएगा। वहां से आप जब डिलीट करते हो आपका 90% काम वहां से खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने इसी पॉलिसी इशू का जो आपका आया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट लेना है, इसको टिक करना है,
मतलब टिक मतलब गोला बना दो चाहे टिक कर दो, ठीक है वो कर दो और अपने रिकमेंडेशन पे जाओ, वहां पे उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, जो जो आपको प्रॉब्लम है, जो जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो पॉलिसी इशू के चलते, फिर चाहे आपका वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, फिर चाहे आपका अर्निंग रिस्ट्रिक्शन हो गया है, मतलब आपका पैसा नहीं आ रहा है, मोनेटाइज हो गया आपका पैसा नहीं आ पा रहा है, जो जो प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो ए टू जेड सारे प्रॉब्लम की आपको लेने स्क्रीनशॉट, ठीक है ब्रदर, उसको ले लो। एक अच्छा सा मेल जिसमें आपको बकायदे पॉइंट वाइज फेसबुक को बताना है, पॉइंट नंबर वन ये दिक्कत, पॉइंट नंबर टू ये दिक्कत, पॉइंट नंबर थ्री ये दिक्कत, पॉइंट नंबर फोर वो दिक्कत, पॉइंट नंबर फाइव ये दिक्कत, पॉइंट नंबर छह ये दिक्कत, सारे स्क्रीनशॉट लगा देने हैं। रिपोर्ट प्रॉब्लम में जाकर पेज वाले सेक्शन में जाकर सारे के सारे आपको लगा देना है स्क्रीनशॉट, और इज्जत से मतलब रिस्पेक्टेड फेसबुक सपोर्ट टीम इज्जत से आपको मेल लिखना है, और पॉइंट वाइज ऐसे कचड़ा नहीं मचाना है कि मतलब कुछ भी लिख के आ गया, मतलब अरे मेरा ये गड़बड़ा गया है इसको ठीक कर दो, इस तरह नहीं होगा भाई। इज्जत से मेल लिखो, अगर नई मेल लिखना आता हो तो मेरे को कमेंट करना, आपकी मैं हेल्प वेल्प नहीं करूंगा, मैं पैसा लूंगा भाई, आपको फॉर्मेट दे दूंगा किस तरह आप मेल कर सकते हो, किस तरह आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, किस तरह आपको मेल करना है पॉइंट वाइज। जब आप इस तरह फेसबुक को एड्रेस करोगे ना, मतलब इस तरह आप फेसबुक को मैसेज भेजोगे या मेल करोगे, आपको जवाब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बात समझो, जब आप इस तरह आप मैसेज या मेल करते हो फेसबुक को तो आपको जवाब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि भाई 699 रुपए में अगर हम वहां से एक सपोर्ट मतलब मैनेजर ले लेते हैं, मतलब इस समय क्या हो रहा है ना कि अगर आप अपने पेज को चाहे प्रोफाइल को वेरीफाइड करा लेते हो तो आपको मिल जाता है एक सपोर्ट मैनेजर, तो कई लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी है कि जब हम सपोर्ट मैनेजर ले लेंगे तो हमको जो है फेसबुक की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा हमको बेनिफिट मिलेगा, मिलेगा आपकी बात जो है, अगर जो फेसबुक 2 से 3 दिन में सुनता था शायद 1 दिन में सुन ले, बट जो नियम कानून है, जो मेल करने का तरीका है, जो बताने का अपनी प्रॉब्लम तरीका है, वो तो सेम ही रहेगा ना। आपको सपोर्ट मैनेजर भी मिल जाएगा, 699 रुपये महीना मिलता है, अगर आपने वो ले भी लिया तो भी मेल लिखोगे ना उसको, अपनी प्रॉब्लम तो बताओगे ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरा अर्निंग रिस्ट्रिक्शन हुआ है, मुझे पॉलिसी इशू हुआ है, मुझे 2 महीने से दिक्कत है, 3 महीने से दिक्कत है, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है, मेरा वीडियो अपलोड नहीं हो रहा, मेरा पोस्ट अपलोड नहीं हो रहा, ये सारी प्रॉब्लम शेयर करोगे ना भाई, तो फिर चाहे तुम लोग वो सपोर्ट मैनेजर लो और फिर चाहे मत लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। जो नियम कानून है मेल भेजने का वो तो आपको भेजना ही पड़ेगा, और हाँ जो मैंने आपसे बताया उस वीडियो को जाके आपको डिलीट करना, क्या पता वीडियो की वजह से आया हो, क्या पता पोस्ट की वजह से, पोस्ट की वजह से आया होगा तो भी लिख के आ जाएगा वहां पे कि आपने ये पोस्ट किया है इसकी वजह से आया, शेयर आपने किया है वो भी लिख के आता है कि आपने शेयर किया हुआ है, जाके डिलीट करो तो भी आप डिलीट कर सकते हो, शेयर वाला जाके वहां पे ढूंढो पेज में अपने उसको डिलीट करो, और वीडियो अगर आपने डाल रखी तो, और रील डाल रखी तो उसको भी डिलीट करो, समझ रहे हो, सिंपल फंडा है। और उसके बाद सारे स्क्रीनशॉट लो और एक मेल भेजो, हाँ 699 में आपका मन करता है तो सपोर्ट मैनेजर ले लो भाई, फेसबुक की तरफ से मिलता है, वो एक तरह से समझ लो कि बेवकूफी बनाने वाला काम है, कोई फायदा मिलेगा नहीं, हाँ एक वेरीफाइड टिक मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा अगर बेनिफिट मिल जाए तो बताना मेरे से कि नहीं प्रशांत भाई इससे ज्यादा बेनिफिट मिल गया हमको, हमारे सपोर्ट मैनेजर ने हमको घर पे खाना भिजवाया पैक करवा के, तो बता देना मेरे से कि नहीं प्रशांत भाई 699 खर्च करता हूँ हर महीने का, सपोर्ट मैनेजर बड़ा हमारा सपोर्ट कर रहा है, कोई सपोर्ट वपोर्ट नहीं करने वाला, आपको फिर भी मेल लिखना ही पड़ेगा, आपको फिर भी स्क्रीनशॉट भेजना ही पड़ेगा, तो ये बता दे रहा हूं मैं भाई, इज्जत से मेल लिखो, पॉइंट वाइज अपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करो और भेजो, वो आपको तुरंत जवाब देगा फेसबुक कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी भाई, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना, और कोई प्रॉब्लम हो कुछ सीखना चाहते हो मुझसे, कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहते हो तो मुझे कुछ पैसा पे करो, मैं आपको सिखाता हूँ, कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हो, पर आपको पैसा पे करना पड़ेगा, बट मैं बोलना चाहता हूँ कि मैं फेसबुक में नौकरी नहीं करता हूँ तो मैं उसको ठीक करने की कोई गारंटी नहीं लेता, तो सोच समझ के फोन करिए, आपका फोन है, आपका कॉल है, आपकी मर्जी है, ठीक है ब्रदर, बाय बाय, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, बाय, जय माता दी।